वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पॉलिनेशन करने के लिए किस तरीके से अलग अलग एजेंसीज प्रेजेंट्स होती हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अलग अलग एजेंसीज किस तरीके से एडाप्टेशन कराती हैं इन द केस ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, इन द केस ऑफ एंथर, इन द केस ऑफ स्टिग्मा। यानी अगर विंड से पॉलिनेशन हो रहा है या वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें पॉलिन ग्रेन्स जो हैं या एंथर जो है वो स्टिग्मा जो है वो किस तरीके से अपने आप को अडाप्ट करती हैं कि उनके अंदर जो पॉलिनेशन होगा वो विंड से ही होगा या एयर से ही वाटर से ही होगा। आइए इसको समझते हैं। इन सारी चीज़ों को सबसे समझने की पहले सबसे पहले हम चीज़ें बात कर लेते हैं पॉलिन ग्रेन्स के बारे में कुछ। जैसे पॉलिन ग्रेन्स जो होता है उसकी वायबिलिटी मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि पूरी लाइफ जो होती है वो फ्यू मिनट से लेकर फ्यू मंथ तक होती है। जैसे राइस एंड वीट, इनके केस में पॉलिन ग्रेन्स की पूरी मैक्सिमम लाइफ कितनी मिनट की है? 30 मिनट की है, और 30 मिनट में उसकी वायबिलिटी खत्म। लेकिन बहुत सारे फ्यू प्लांट ऐसे भी हैं जिनके अंदर 2 से 3 मंथ तक की भी वायबिलिटीज हो सकती है। तो ये बात होगी। दूसरी चीज, पॉलिन ग्रेन्स बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत लार्ज भी हो सकता है और बहुत लंबा भी हो सकता है। यानी पॉलिन ग्रेन्स कैन बी स्मॉल, वेरी स्मॉल, इट कैन बी लार्ज एंड इट कैन बी लॉन्गेस्ट वन। अगर हम लोग बात करें कि सबसे जो स्मॉल वाला है उसको हम लोग नाम देते हैं मायोसोटिस, और कहते हैं कि मायोसोटिस 2.5 माइक्रोमीटर का होता है, ये डायमीटर है। लार्ज में अगर हम चले आते हैं तो मिराबिलिस जलापा सबसे बड़ा पॉलिन ग्रेन्स इनके पास होता है। कहते हैं कि लगभग मान के चलिए कि 250 माइक्रोमीटर का ये होता है। अगर हम आते हैं लॉन्गेस्ट पे तो आता है जॉस्टेरा जो होता है वो कहते हैं लगभग 2500 माइक्रोमीटर का होता है। तो ये कुछ बातें हैं पॉलिन ग्रेन्स के बारे में। हमने समझा कि पॉलिन ग्रेन्स एग्जैक्टली कुछ क्या चीज़ें उसके बारे में होती हैं। अब हम समझते हैं कि अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स में क्या अडाप्टेशन हुआ होगा, स्टिग्मा में, एंथर में क्या अडाप्टेशन होगा, स्टिग्मा में क्या अडाप्टेशन हो सकता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेशन अडाप्टेशन में, और जो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है विंड पॉलिनेशन, जिसको मैंने नाम बताया था एनिमोफिली। हम लोग बात करने वाले हैं एनिमोफिली, यानी अब इसमें पॉलिनेशन जो होना है वो क्रॉस है। क्रॉस का मतलब है एक प्लांट अगर एक जगह है, दूसरी प्लांट दूसरी जगह, यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स को उड़ना है और दूसरे वाले प्लांट तक जाना है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बहुत सारा अगर पॉलिन ग्रेन्स निकले तब जाके 2-4 वहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि खराब हो जाएंगे या वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉलिन ग्रेन्स बहुत ही लार्ज मात्रा में बननी चाहिए। तो जो सबसे पहला अडाप्टेशन एनिमोफिली यानी विंड पॉलिनेशन में होता है तो उसमें ये होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, यानी जो पॉलिन ग्रेन्स है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में बनना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल है कैनाबिस जो फ्लावर, उसका एक फ्लावर खाली तकरीबन 5 लाख पॉलिन ग्रेन्स को बनाता है, मतलब एक फ्लावर के अंदर 5 लाख पॉलिन ग्रेन्स होते हैं। दूसरी बात, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो अगर वो भारी होगा तो वो उड़ नहीं सकता। अगर देखा जाए पॉलिन ग्रेन्स को बहुत हल्का होना, तो दूसरी चीज़ हमारे पास जो आ जाती है विंड पॉलिनेशन का अडाप्टेशन में कि पॉलिन ग्रेन शुड बी ऑफ लाइट वेट, यानी एकदम हल्का होना चाहिए। अगर भारी होगा तो वो उड़ेगा ही नहीं, तो हल्का पॉलिन ग्रेन होना चाहिए। हम लोग आते हैं तीसरी बात पे कि कुछ पॉलिन ग्रेन्स ऐसे होते हैं
जिनके पास विंग्स होता है, यानी ये अगर पॉलिन ग्रेन्स हैं तो इस तरीके से इनके पास विंग्स होता है। इन द केस ऑफ पाइनस, पाइनस जो है वो जिम्नोस्पर्म है, लेकिन भी उनके पास, उनके जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं, वो विंग्स हेल्पफुल होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने। तो ये कुछ एडाप्टेशन पॉलिन ग्रेन्स के अंदर। अच्छा, एंथर के अंदर क्या होना चाहिए? एंथर के अंदर भी कुछ एडाप्टेशन होंगे, जैसे सबसे पहले एंथर शुड बी एक्सपोज्ड। ऐसा ना हो कि जो एंथर है वो फ्लावर के पेटल से छुप गया हो, अगर छुप जाएगा तो वो पॉलिन ग्रेन्स बाहर की ओर उड़ के जा नहीं पाएंगे। तो एंथर हमेशा क्या होना चाहिए? एक्सपोज्ड होना चाहिए, पूरी तरीके से खुला होना चाहिए, दिखता रहना चाहिए। दूसरी चीज, आपको हम इसके पहले भी टाइप्स ऑफ पॉलिन ग्रेन पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने एक चीज बताया था, वर्साटाइल। वर्साटाइल यानी पॉलिन ग्रेन्स कुछ ऐसे होते हैं, यानी एनिमोफिलस में पॉलिन ग्रेन्स के जो शेप होंगे, या हम सॉरी एंथर की बात करें तो एंथर का जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके दिखाई देगा। अब हम आते हैं स्टिग्मा पे। अगर पॉलिन ग्रेन्स एक जहां से उड़ रहा है और स्टिग्मा तक जा रहा है, तो स्टिग्मा काफी स्टिकी होना चाहिए। अगर उस पर चिपकेगा नहीं फिर से उड़ जाएगा तो फायदा क्या है? तो स्टिग्मा का क्या पहला एडाप्टेशन स्टिग्मा में क्या हम पढ़ सकते हैं? स्टिकी। कुछ में फेदरी होता है, फेदरी मतलब थोड़ा उसमें रेशा निकला रहता है, तो उसी में जाके क्या हो जाता है? चपक जाता है। कुछ इसी को कुछ लोग हेरी भी कह सकते हैं। तो स्टिग्मा के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडाप्टेशन है वो ये होना चाहिए कि स्टिग्मा जो होना चाहिए वो स्टिकी होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए और हेरी होना चाहिए। और लास्ट अगर हम बात करें एनिमोफिलस में, फ्लावर नॉन अट्रैक्टिव होना चाहिए। फ्लावर नॉन अट्रैक्टिव से मतलब क्या है कि अगर फ्लावर अट्रैक्टिव हो गया तो उसमें क्या होगा? इंसेक्ट आने लगेंगे, और जब इंसेक्ट आने लगेंगे, नेक्टर्स लेने लगेंगे, तो फ्लावर अगर अट्रैक्टिव बना, यानी कलरफुल है या उसके अंदर नेक्टर है, तो उसमें क्या होगा? वो इंसेक्ट पॉलिनेशन में जा सकता है। तो इसीलिए जो फ्लावर होते हैं बहुत ही ऑर्डिनरी होते हैं, उनके अंदर सिर्फ यही चांस हो कि उनके अंदर एयर पॉलिनेशन हो, किसी भी तरीके से इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। थैंक यू।